स्वतंत्र दिवस के अवसर पर मुस्कान हाईटेक फिजियोथेरापी क्लिनिक के द्वारा आयोजित 14 अगस्त 2020 से 20 अगस्त 2020 तक निशुल्क फिजियोथेरापी चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन होने जा रहा है डॉक्टर मोहम्मद शहजाद आलम के द्वारा, जिसमें हड्डी एवं नस संबंधित रोगियों का निःशुल्क जाँच किया जाएगा। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक। संपर्क करे 7488038623। स्मार्ट सिटी के तहत बनने वाली योजनाओं, विधानसभा चुनाव की तैयारियों और कोविड-19 को लेकर दी जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा करने पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल बिहारशरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने समाहरणालय स्थित शहीद हरदेव भवन के सभागार में जिलाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ गहन बैठक की। इस मौके पर आयुक्त श्री अग्रवाल ने कहा कि जिले में कोविड-19 के जितने भी पॉजिटिव मामले आए हैं, उनके लिए टीम बनाकर उनके घरों पर विजिट किया जाएगा तथा उनकी सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी। पर्याप्त सुविधा नहीं रहने पर ऐसे मरीजों को सरकारी आइसोलेशन सेंटर में भेजा जाएगा और उनके घरों पर होम आइसोलेट का पर्चा चिपकाया जाएगा, ताकि लोग पूर्व से ही सावधान रहकर संक्रमण से बचे रहें। सावधानी से ही पॉजिटिव केस में कमी आ सकेगी। मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिले के SDO और BDO को सड़कों पर उतरकर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने और जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा दुकानदारों की जांच करने की भी व्यवस्था कराई जा रही है, क्योंकि दुकानदारों के संपर्क में अधिक लोग आ जाते हैं। वहीं स्मार्ट सिटी के तहत जिले में कई योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 595 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए बिहार थाना परिसर में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एवं कमांड सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी निविदा की प्रक्रिया 1-2 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा 8 जगहों पर ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ बाजार समिति का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और पूरे परिसर को सोलर लाइट से सुसज्जित कर आधार तारों के लिए शेड का निर्माण कराया जाएगा। इस मौके पर नालंदा के DM योगेंद्र सिंह, SP नीलेश कुमार, उप विकास आयुक्त राकेश कुमार, नगर आयुक्त अंशुल अग्रवाल के अलावा कई पदाधिकारी मौजूद थे। कोविड को लेकर क्या निर्देश दिए गए कि जितने भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनके घर पर हमारे टीम विजिट करेगी, और वो लोग अगर घर पर होम आइसोलेशन में सक्षम होंगे तो उनको अलाउ किया जाएगा। यदि लगे कि होम आइसोलेशन में वो सक्षम नहीं है, घर में एक ही कमरा है जिसमें अन्य परिवार के सदस्य भी रहते हैं और अन्य परिवार के सदस्यों को संक्रमण का खतरा होगा, तो वैसे व्यक्तियों को इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन जो सरकारी केंद्र है उसमें रखा जाएगा और वहाँ तीनों टाइम भोजन सहित डॉक्टर की व्यवस्था की जाएगी। तो सभी घरों पर जो पोस्टर भी एक लगाया जाएगा होम आइसोलेशन, ताकि जो आसपास के लोग हैं वो भी सचेत रहें। और टेस्टिंग की संख्या को लगातार बढ़ाया गया है और जिन इलाकों में भी टेस्टिंग की कहीं से भी पॉजिटिव केस आएंगे तो उनके आसपास कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके वहाँ भी टेस्टिंग करवाई जाएगी। और इन सब में एक ही प्रयास है कि नालंदा में केसेस में कमी आए, और पिछले 10 दिनों में देखा भी गया है कि केसेस में थोड़ा कंट्रोल भी हुआ और कमी भी आई है। लेकिन सभी लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है, इसलिए मास्क के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। पूरे जिले में मास्क के लिए सभी STO BDO को निर्देश दिया गया कि खुद सड़कों पर उतरें और मास्क के लिए अभियान चलाएं। मैं लोगों से भी अपील करूंगा, मास्क आपकी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा को खतरे में ना डालें। कभी यह ना सोचें कि मुझे कोरोना कैसे हो सकता है, ये किसी को भी हो सकता है, और एक बार देरी होगी फिर लापरवाही कतई ना हो। इसलिए सभी लोग मास्क जरूर लगाएं, और ख़ास करके जो दुकानदार हैं, ये देखा जाता है कि उनके संपर्क में बहुत लोग आते हैं, तो उनकी भी टेस्टिंग कराने का निर्देश दिया गया कि सभी दुकानदार जो भी फल वेंडर हैं, सब्जी वेंडर हैं, किराना वेंडर हैं, तो उनकी भी टेस्टिंग कराई जाए ताकि उनका भी खतरा कम हो सके और यदि संक्रमण है तो उसको रोका जा सके। तो इसीलिए सभी कोविड केयर सेंटर पर पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। अभी मैं विम्स हॉस्पिटल का भी निरीक्षण करने जा रहा हूँ, अस्पताल में बेहतर सुविधा मिले, बेहतर इलाज मिले, इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, और कोई कमी है तो उसको भी पूरा किया जाए। स्मार्ट सिटी की तरफ देखिए, आज स्मार्ट सिटी में समीक्षा की गई है, जल्द ही बिहार सिर्फ सिटी में कैमराज लगेंगे, CCTV कैमराज लगभग 595 CCTV कैमराज से पूरे शहर की निगरानी की जाएगी और इसके लिए निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा। बिहार सिर्फ थाने में इसके लिए एक अच्छा मॉडर्न कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, जिला पदाधिकारी और नगर निगम तीनों के लिए मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे, जिसमें SP साहब CCTV के माध्यम से कंट्रोल, क्राइम कंट्रोल कर पाएंगे, ट्रैफिक को कंट्रोल कर पाएंगे,
नगर निगम विभिन्न प्रकार की सुविधाएं सफाई आदि हो रही है कि नहीं हो रही है, कहाँ वेंडर्स रखे हुए हैं, अतिक्रमण कहाँ हो रहा है, इसकी निगरानी करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के रेगुलेशंस के लिए एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्वीकृति दे दी गई है और जल्द ही ये बिहार शिफ्ट थाने में इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। कल परसों में इसका टेंडर निर्गत हो जाएगा और जो कैमराज हैं उसके लिए टेंडर फाइनल हो चुका है। पूरे बिहार शिफ्ट में 595 कैमरा, कई स्क्रीन लगाई जाएंगी, ट्रैफिक लाइट 8 जगह लगाई जाएंगी। तो स्मार्ट सिटी के तहत ये प्रोजेक्ट का टेंडर हो चुका है, कैबिनेट में स्वीकृति के लिए गया हुआ, जैसे ही वहाँ से स्वीकृति होगी काम तुरंत शुरू हो जाएगा स्मार्ट सिटी में। इसके अलावा बाजार समिति का जीर्णोद्धार किया जाएगा। बाजार समिति जो अभी काफ़ी ख़राब हालत में है उसके पूरा जीर्णोद्धार का मास्टर प्लान बनाया गया है और मास्टर प्लान बना करके इसका जीर्णोद्धार का प्लान, पूरे सौंदर्यीकरण का प्लान, विभिन्न प्रकार के सेट बनाए जाएंगे, पूरा ये सोलर लाइट से प्रकाशमय होगा। अंदर की सारी रोड्स बनाई जा रही हैं, लाइट्स लगाई जा रही हैं, जो वेंडर्स हैं उनके सब्जी बेचने के लिए, फल बेचने के लिए विभिन्न प्रकार के सेट बनाए जाएंगे, कुछ छोटी छोटी दुकानें भी बनाई जाएंगी। तो ये सारे इस प्रोजेक्ट में शामिल है जिसका प्रोजेक्ट तैयार है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते उसका टेंडर भी प्रकाशित हो जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मॉल किया जा रहा है देने का जो प्रावधान किया गया था उसमें क्या? हाँ देखिए, अभी वो प्रोजेक्ट अभी DPR उसका फाइनल नहीं हो पाया है, तो जैसे ही होगा आप लोग को इसकी जानकारी दी जाएगी। एक चीज़ और सर, ये सदर अस्पताल में जो कैंटीन खोली गई है मात्र 251 रुपये में बिना टेंडर का जो दिया गया है उससे सरकार की क्षति है, ये इस पर क्या कहते हैं? देखिए मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं DM साहब से कहूँगा कि इसको पता कर लें कि कैंटीन देने में सरकारी जो नियम है उसका पालन हुआ है या नहीं हुआ है। तो जिला पदाधिकारी इस मामले की जांच कर लेंगे कि कैसे क्या हुआ है, किस परिस्थितियों में ये टेंडर दिया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी की गई है सर? देखिए विधानसभा चुनाव की भी समीक्षा की गई है, सभी पदाधिकारियों को इसके लिए जो भी आवश्यक और पहले की तैयारियाँ होती हैं उस पर निर्वाचन आयोग लगातार समीक्षा भी कर रहा है। वो सभी कार्य पूरे करने का निर्देश दिया गया है, मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है, EVM की जितनी भी आवश्यकता है और उसकी FLC का कार्य लगातार चल रहा है। इसके अलावा वाहनों की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, कर्मियों की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, उसके आकलन और उसकी व्यवस्था अग्रिम रूप से प्लानिंग करने का निर्देश दिया गया। तो सभी काम काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं और इलेक्शन जब भी घोषित होंगे सरकार के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं जितने भी सभी लोग जो भी इलेक्शन के लिए आवश्यक कार्य हैं वो सही समय पूरा करें। कुछ EVM इस बार कुछ नए तकनीक का लाया गया है सर? देखिए VVPAT काफ़ी सिक्योर्ड व्यवस्था है और EVM में भी काफ़ी सिक्योरिटी फीचर्स हैं। तो जो भी इलेक्शन कमीशन मशीन्स उपलब्ध करवाई हैं उसके आधार पर हम लोग चुनाव भी उपलब्ध कराएंगे और FLC के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों के साथ में उसका प्रगतिकरण भी हुआ, उनके सामने चेकिंग भी हुई है, ताकि EVM को लेकर किसी प्रकार का किसी के मन में शक शुभ नहीं रहे। EVM के माध्यम से फुल फ्लेजेड निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो। शहर में पुल बनाने के बाद जन सुविधा केंद्र के लिए जन जीवन हरियाली भी एक बहुत बड़ी बात बनी है सर। 20 बाढ़ के लिए स्वीकृति मिली थी, 15 उसमें जल जीवन हरियाली के लिए कहीं तनाव कहीं कुछ के लेकर रुका हुआ, इसके कारण थोड़ा सा मैसेज पब्लिक के लिए। नहीं देखिए जन सुविधा केंद्र के लिए जो भी आवश्यक फंड थे उसके लिए संभवतः 7 या 8 ही स्वीकृत हो पाएंगे, लेकिन उसका स्थल निरीक्षण करके टीम रिपोर्ट देगी ताकि लोगों को सुविधा भी मिल सके और जो प्रावधान है उसका भी पालन हो सके। कुछ जगह काम भी प्रारंभ हो गया है तो उसको देख करके DM साहब ने कमेटी बनाई है, उसका जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार TV को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।